पाकिस्तान में अशांत खैबर पख्तूनवा प्रांत के पेशावर में सोमवार को हुए धमाके में मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। मंगलवार को यहां से और लाशें बरामद की गई हैं। अधिकारियों का कहना है कि अब तक मृतकों की संख्या बढ़कर 90 पहुंच गई है, जबकि एक दिन पहले 61 शव बरामद किए गए थे। वहीं 150 से अधिक के घायल होने की भी खबर है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने इस आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी ली है। सुरक्षा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि विस्फोट दोपहर 1:40 के करीब पुलिस लाइन इलाके के पास उस वक्त हुआ जब नमाजी जुहर यानी दोपहर की नमाज पढ़ रहे थे, तभी आगे की लाइन में बैठे आत्मघाती हमलावर ने विस्फोट उड़ा लिया। नमाजियों में पुलिस, सेना और बम निष्क्रिय दस्ते के कर्मी भी थे। राजधानी शहर पुलिस अधिकारी CCPO पेशावर मोहम्मद एजाज खान ने सोमवार को कि विस्फोट में 61 लोगों की मौत हुई है। लेडी रीडिंग अस्पताल के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि 150 से अधिक घायल हुए हैं। मृतकों में कम से कम 5 उप निरीक्षक और मस्जिद के इमाम मौलाना साहिबजादा नूरुल अमीन शामिल हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने ली है जिम्मेदारी। पाकिस्तान के पेशावर शहर के अति सुरक्षित क्षेत्र में स्थित एक मस्जिद में आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP ने ली है। TTP के मारे गए कमांडर उमर खालिद खुरासानी के भाई ने दावा किया कि आत्मघाती हमला उसके भाई की मौत का बदला लेने के लिए किया गया, जो पिछले साल अगस्त में अफगानिस्तान में मारा गया था। पाकिस्तान तालिबान के नाम से जाने वाले TTP ने इससे पहले भी पाकिस्तान में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की कोशिश की है और आत्मघाती हमले भी किए हैं। पेशावर के पुलिस अधीक्षक जांच साजाद कौकुब ने मीडिया को बताया कि नमाज अदा करने के लिए वो मस्जिद में घुसे ही थे कि विस्फोट हो गया। वो सौभाग्यशाली थे कि हमले से बच गए। कौकुब का दफ्तर मस्जिद के करीब ही है। पुलिस लाइन स्थित मस्जिद 4-स्तरीय सुरक्षा घेरे में थी। इन सभी सुरक्षा घेरे को भेदते हुए हमलावर मस्जिद में घुसने में सफल रहा और अग्रिम पंक्ति में जा पहुंचा। जांच में जुटी है पुलिस। पेशावर के पुलिस महानिरीक्षक मुअज्जम जहां अंसारी ने कहा कि पुलिस विस्फोट की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बम हमलावर इस अति सुरक्षा वाली मस्जिद में कैसे घुसा। उन्होंने आशंका प्रकट की कि धमाके से पहले बम हमलावर पुलिस लाइन में ही रह रहा होगा, क्योंकि पुलिस लाइन के अंदर फैमिली क्वार्टर्स थी। पेशावर पुलिस आतंकवाद निरोधक विभाग, फ्रंटियर रिजर्व पुलिस, इलीट फोर्स एवं संचार विभाग के मुख्यालय भी इसी विस्फोट स्थल के आसपास मौजूद है। धमाके के समय इलाके में 300-400 पुलिस अधिकारी मौजूद थे। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि विस्फोट से मस्जिद का एक हिस्सा ढह गया और माना जाता है कि कई लोग उस मलबे के नीचे दबे हुए हैं। उनके अनुसार बम हमलावर पुलिस लाइन्स के अंदर 4-स्तरीय सुरक्षा वाली मस्जिद में घुस गया। कैपिटल सिटी पुलिस अफसर मोहम्मद एजाज खान का हवाला देते हुए पाकिस्तान के डॉन अखबार ने खबर दी है कि कई जवान मलबे के नीचे दबे हुए हैं, साथ ही बचाव कर्मी उन्हें बाहर निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं। धमाके के समय इलाके में 300-400 पुलिस अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि स्पष्ट है कि सुरक्षा में चूक हुई है। बचाव अभियान के प्रभारी बिलाल फैजी ने कहा है कि फिलहाल हमारा ध्यान बचाव अभियान पर है। हमारी पहली प्राथमिकता मलबे में दबे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना है। पीएम शरीफ बोले, लोगों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान समेत कई नेताओं ने हमले की निंदा की है। शहबाज ने कहा है कि हमलावरों का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने कहा कि आतंकवादी उन लोगों को निशाना बनाकर डर पैदा करना चाहते हैं जो पाकिस्तान की रक्षा करने का कर्तव्य निभाते हैं। उन्होंने कहा कि विस्फोट में मारे गए लोगों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। उन्होंने कहा कि समूचा राष्ट्र आतंकवाद की इस बुराई के विरुद्ध लड़ाई में एकजुट है। उन्होंने ये भी कहा कि अशांत खैबर पख्तूनवा प्रांत में कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए व्यापक रणनीति अपनाई जाएगी। वहीं विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि स्थानीय और आम चुनाव से पहले आतंकवादी घटनाओं का साफ मतलब मुल्क का माहौल खराब करना है। खैबर पख्तून के गवर्नर हाजी गुलाम अली ने विस्फोट की निंदा की और लोगों से घायलों के वास्ते रक्तदान करने की भी अपील की है। इमरान खान ने की हमले की निंदा। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने हमले की कड़ी निंदा की है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने ट्वीट किया है कि जिन लोगों की जान गई है उनके परिवारों और जो लोग घायल हुए हैं उनके प्रति उनकी गहरी संवेदना है। ऐसे में जरूरी हो गया है कि हम खुफिया सूचना संग्रहण में सुधार लाएं और पुलिस बलों को आतंकवाद के बढ़ते खतरे का मुकाबला करने के लिए उपयुक्त रूप से मजबूत बनाएं।